बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। पीएम मोदी ने परिजनों से बात कर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की और नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ ही बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की है और पीएम मोदी ने परिजनों से बात कर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उनसे बात की है, उनके परिजनों से बात की है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कही है। वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बहरहाल अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है, जो कि 3:30 बजे तक रखा जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जहां इस बीच रतन टाटा का निधन हुआ, पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और इस बीच उनके सौतेले भाई नोएल टाटा से बात की है। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर नरीमन पॉइंट में रखा गया है, जहाँ 4:00 बजे तक अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। उसके बाद मुंबई के वर्ली में अंतिम संस्कार होना है। इस बीच जो व्यक्ति विशेष वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है रतन टाटा के भाई, सौतेले भाई हैं जो नोएल टाटा, उनको सांत्वना दी है, ढांढस बंधाया है, परिजनों से बातचीत की है फोन पर। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह अंतिम श्रद्धांजलि उनको देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार के पहले पार्थिव शरीर जो प्रेयर हॉल पे रखा गया है, वर्ली के पार्थिव शमशान भूमि में पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। प्रेयर हॉल में लोग मौजूद हैं, करीब 45 मिनट तक प्रेयर वहाँ पर होनी है। प्रार्थना हॉल में पार्थिव रीति से यह कानून पढ़ा जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये जरूर है कि जो निधन हुआ है रतन टाटा का, वो देश के सच्चे विजनरी व्यक्ति थे। उन्होंने देश को नई गति दी, उद्योग जगत में रफ्तार दी, कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए और अपनी आय का अधिकतर हिस्सा वो दान पुण्य पर खर्च करते थे। तो रतन टाटा का जाना एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए और हर कोई उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।